अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल इंडिया और मैं हूँ नफीसा खान। तो ये देखिए, हम लोग नाश्ता कर रहे हैं, सुबह का टाइम हो गया है और यहाँ पर नाश्ता बनाया है इकरा ने और यहाँ मम्मी भी हमारे साथ में। तो गाइस देखो, एक के साथ दोनों काम कर रही हूँ। राजमा भी भिगोया था तो वो भी बॉईल कर रही हूँ और घिया भी। तो आप कभी इस तरह की सिचुएशन, जैसे आलू वगैरह भी बॉईल करने हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि साथ में राजमा या छोले के साथ में आलू भी रख सकते हैं, या फिर ऐसे ना घिया वगैरह भी आप ऐसे ना रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है ना, दोनों चीज़ आपकी एक साथ हो जाएंगी। तो आपको चार पांच सीटी लगानी है और फिर उसके बाद घिया निकाल लेना है और उसके बाद राजमे में एक दो सीटियाँ और लगा देनी है ताकि हमारा राजमा ना अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे एक के साथ दोनों काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर बना रही थी मैं साथ के साथ रोटी वगैरह और राजमा भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जैसे कि मेरा जो चूल्हा है ना वो तीन चार बर्नर का, तो एक के साथ कुछ ना कुछ काम साथ में होता रहता है, रोटी भी बनती रहती है, सब्ज़ी भी बनती रहती है। और ये देखो, यहाँ पे हमारा राजमा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि मैंने राजमा छोक दिया था और राजमा बन गया है। और फिर उसके बाद शाम को बनाया हमने हलवा, क्योंकि बच्चों का हलवा खाने का बहुत मन था सूजी का। और मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ, मतलब मैं साथ के साथ मैं चाशनी वगैरह नहीं बनाती, मैं साथ के साथ पानी डाल कर ना वैसे ही बनाती हूँ। कभी अगर आपको लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर। और साथ के साथ यहाँ पर मैं पी रही थी अपनी चाय, क्योंकि मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो शाम की ये मेरी चाय थी और ये देखो, मैं साथ के साथ पानी डाल देती हूँ ना सूजी में, तो इस तरह से मैं हलवा बनाती हूँ। और हो गया था नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे अभी घर सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। और मैंने ना अपने बालों में लगाया है अपना ये टोनर, हेयर टोनर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे बाल जो है बिल्कुल झड़ने रुक जाते हैं। और ये मैं पर्सनली सेल भी करती हूँ और इसे मैं लगाने के बाद मसाज करनी है। मसाज करने के बाद हमें कम से कम 2 घंटे इसे हमें ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद हमें इसे ना वॉश करना है। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और अगर आप बोलोगे तो मैं यहाँ पर जो भी इसकी डिटेल है वो बता दूँगी, कैसे बाय करना है कैसे नहीं, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए बैंक, मम्मी और मैं, क्योंकि मम्मी का कुछ काम की प्रॉब्लम हो रही थी तो बैंक आए। और उसके बाद घर आके मैंने बनाए आलू के पराठे। तो यहाँ मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं और मैं यहाँ पर इन्हें जल्दी से छील के कद्दूकस करने वाली हूँ ताकि आलू के पराठे जल्दी से बन जाए। और आज थोड़ा मौसम भी अच्छा था और बच्चों का बहुत ज़्यादा मन था आलू के पराठे खाने का, तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को सरप्राइज़ कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें नहीं पता आज मैं उनके फेवरेट आलू के पराठे बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए आलू के पराठे। और ये देखो, हमारे पराठे ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो बस इस ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो आप लोगों के प्यार के सपोर्ट की ऑलवेज मुझे ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।